भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया, उनको टिप्स दिए जीतने के, कैसे जीता जाएगा, और जिन्ना का जिन भी उन्होंने बोतल से बाहर निकाला। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा या फिर गौरव और सचिन हत्याकांड को लेकर अखिलेश को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। इसके अलावा गन्ना मूल्य भुगतान हो या फिर बकाया गन्ना, ये तमाम मुद्दों को उन्होंने छूने का प्रयास किया। राकेश टिकैत को भी किसान नेता के नाम पर घेरने की कोशिश। अध्यक्षगण, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग इस बूथ सम्मेलन में यहां पर आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। हमने राम मंदिर की कल्पना की थी, शताब्दियों से की थी, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली गई, राम जन्मभूमि का सपना बना रहा। यह मोदी जी की सरकार है जिन्होंने रास्ता प्रशस्त किया। जो कांग्रेसी ये फैसला होने से रोकते थे, उनको आपने हटा दिया और मोदी जी ने इसके लिए रास्ता प्रशस्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से राम जन्मभूमि का वहां पर भव्य मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जय श्री राम। अभी प्रधानमंत्री जी ने किसान के फार्म लॉज को वापस लिया। स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था लागत का 1.5 गुना देना ये तय करो, यूपीए की सरकार नहीं कर पाई। मोदी जी ने तय कर दिया लागत का 1.5 गुना एमएसपी दी जाएगी और रिकॉर्ड खरीदी हुई और रिकॉर्ड एमएसपी दी गई। बात को भी हमको समझना। मित्रों, एक बड़े किसान के लिए जो काम किया गया वो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। अगर मैं बातचीत करूं गन्ना की, यहाँ गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी बैठे हुए हैं, हमारे भूपेंद्र जी बैठे हुए हैं, इन सब लोगों ने गन्ना के बारे में बहुत सी चर्चाएं भी की होंगी और उन्होंने अपने तरीके से बातों को रखने का प्रयास भी किया होगा। कुछ विषय को दिनेश जी ने भी रखा है, लेकिन मित्रों ये बीजेपी है, ये योगी जी की सरकार है जिसने गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया है, 1,41,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और तो और अखिलेश का भी 11,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तुम तो जाते जाते छोड़ गए, तुमने किसानों की चिंता नहीं की। एक वक्तव्य नहीं दिया अखिलेश ने कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया। लेकिन यह मायावती जी और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी दोनों के भुगतान से ज्यादा भुगतान योगी जी की सरकार ने किया, 1,41,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। मुझे एक पत्रकार बहन ने पूछा कि बताओ ये गन्ना और चिन्ना, मैंने कहा गन्ना हमारा है, चिन्ना उनका है, ये चिन्ह को निकालना तुम्हारा काम है, बोतल के अंदर डालना आपका काम है। इस बात को हमको ध्यान रखना रहती है। देश को खंडित करने की योजना बना करके चलती है। दुर्भाग्य है कि सरदार पटेल के साथ जिन्ना को बराबरी करने का षड्यंत्र होता है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात पर विश्वास करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के चलती है, प्रयास करती है। मैं आपको ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है, ये वही समाजवादी पार्टी है, उसको हमको समझना चाहिए।
आपको शायद याद होगा 15 टेररिस्ट पकड़े गए थे। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? 15 टेररिस्ट पकड़े गए, अखिलेश जी की सरकार ने उनको छुड़ा लिया और ये कहकर के छुड़ाया कि नहीं नहीं ये दोषी नहीं है। बाद में हाईकोर्ट से फिर उनको गिरफ्तार किया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा 4 लोगों को उसमें फांसी हुई और बाकियों को उम्र कैद हुआ। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। यानी ये जो वंशवाद के प्रोडक्ट है, ये राष्ट्र के हित को किस तरीके से वोट की खातिर बेच डालते हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि अखिलेश जी की सरकार में हमारे जो एक्स डीजीपी हैं, उनको और उनके साथ 42 लोगों को मुकदमा डाल करके और उनको बाराबंकी में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आज उससे भी और वो भी जानलेवा क्या केस बना करके उन पर किया गया और सीधी भी लड़ाई लड़ी गई और उसमें भी जीत हासिल हुई है। मित्रों, हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं और वो दंगा तंत्र के पुजारी हैं, यह भी हमको समझना है। वो दंगा में विश्वास करते हैं। आप भूल गए होंगे 700 से ज्यादा दंगे हुए 5 साल में, 112 लोग मारे गए, ये भी हम लोग को ध्यान में रहा। 112 लोग राइट्स में मारे गए। उसी तरीके से 27 अगस्त 2013 अभी भी भूला नहीं जाता। और सचिन और गौरव दो भाई, दोनों का जिस तरीके से मर्डर हुआ और मर्डर होने के बाद जो लोग उसमें पकड़े गए थे उनको छुड़ाने का काम किया था तो अखिलेश जी ने किया था, इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, सब समाज में सब बराबर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आप याद करो, कैराना को याद करो, पलायन को याद करो, मुजफ्फरपुर के दंगों को याद करो। ये प्रजातंत्र नहीं था, ये दंगा तंत्र था। और इस दंगा तंत्र को समाप्त करके योगी जी ने यहां पर शांति, अमन, चैन और विकास की एक नई कहानी लिखी है, उस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से ये अपील करता हूं कि आप पूरी ताकत लगाकर बूथ में विजय हासिल कराने के लिए पूरी ताकत आप लगाएं, पार्टी को विजयश्री दिलाएं और पार्टी के विजयश्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकास की एक नई कहानी लिखेगा। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा और मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा उत्तर प्रदेश को मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ये मैं आपको बताना था। हल्ला करने लग जाते थे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कितना कर्जा माफ करते थे? 57,000 करोड़। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,63,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ किसान को 2,000 रुपए की 10 किस्तें आपके खाते में पहुंचाने का काम किया। आप बताइए, पहले ये यूरिया लेने के लिए आपको ऊपर लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? किसानों के ऊपर होता था कि नहीं होता था? और लाइनें रहती थी यूरिया लेने के लिए और यूरिया नहीं मिलता था। ये नीम कोटेड यूरिया कराने का काम, ताकि यूरिया किसान को ही मिले और कहीं उसका ब्लैक ना हो सके, ये व्यवस्था की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड आप तक पहुंचाने का काम किया। बहुत से नेताओं ने अपने आप को किसान नेता कहने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के लिए करने की बारी आई तो जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए किया वो किसी ने नहीं किया, यह बात भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सिर्फ ताली बजाओ और कोई काम नहीं। यह हमारी पार्टी है जहां साधारण परिवार से उठा हुआ व्यक्ति पार्टी का नेतृत्व करता है और आगे बढ़ता है। मित्रों, सारी पार्टियां
आपने देखा होगा किसी न किसी जाति से, किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी समुदाय विशेष का वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और यह देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कई मुद्दे ऐसे रहे जिनको राकेश टिकैत समेत वेस्टर्न यूपी के जेपी नड्डा जी ने फोकस किए। मैं रामबोल तोमर, जनवाणी न्यूज के लिए कैमरामैन कृष्ण सुदन के साथ।